हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका आरके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनका क्या सवाल होता है। देखिए, जो जो नए यूट्यूबर होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि अगर हम बिना फेस दिखाए वीडियो बनाते हैं तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा? तो अगर आपका बिना फेस दिखाए वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, मैं पूरा डिटेल में आपको कवर करने वाला हूं। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, क्योंकि इसमें कोई मैंने इधर उधर से कोई फोटो, इमेज, जो कोई एनिमेशन नहीं दिखाया है, ना ही इसमें कोई इंटरेस्टिंग वाली चीज दिखाई है। बस दिमाग से सोचने वाले कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, और शायद ये बात आप उसी समय देख पाएंगे कि ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण थे या नहीं। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो मेन स्टार्टिंग वाले यूट्यूबर होते हैं तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, दो वीडियो अपलोड की, उसके बाद में उनका एक ही सवाल होता है कि क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। जी हाँ, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनका चैनल मोनेटाइज होगा, बट उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो वीडियो है, फेस आपने बेशक ना दिखाया हो, फेस ना दिखाते हुए भी आपको जो वॉइस कवर करनी है, जो भी आप वीडियो में वॉइस करेंगे, जो वॉइस कवर करेंगे वो आपकी जेन्युइन वॉइस होनी चाहिए, रियल आवाज आपकी होनी चाहिए, उस कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ऐसा नहीं होगा आपने कंप्यूटराइज्ड वॉइस उसमें रिकॉर्ड कर दी, जैसा कि आपने देखा होगा हैंडराइटिंग वाला, आपने हैंडराइटिंग वाली जो वॉइस होती है जिसमें आप केवल लिख देते हैं, उसमें कंप्यूटर अपने आप उसको कन्वर्ट कर देता है वॉइस में, तो वो आप अगर आप उस कंडीशन में वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद मैक्सिमम यूट्यूबर का प्रॉब्लम ये होता है कि हम बिना फेस दिखाए वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए टॉपिक कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, ये बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, थोड़ा सा दिमाग से सोचने का टाइम आपके पास होना चाहिए, टॉपिक अपने आप ही बन के सामने आ जाते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप बिना फेस दिखाए वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्यूटी टिप्स का वीडियो हो गया। ब्यूटी टिप्स के ऊपर आप कोई भी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर लीजिए या कोई भी एनिमेशन लगा दीजिए उस इमेज पे, और उसमें बता दीजिए कि आपको इस तरह से इतना इतना इस तरह से अपने फेस पे यूज करना है, ये चीज इतनी यूज करना है, ये मटेरियल इतना यूज करना है। आप उसमें इमेज अपलोड करके उसमें आप पूरे डिटेल में बता सकते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक आपको मिल जाता है हेल्थ टिप्स। अगर आप हेल्थ टिप्स के बारे में कोई भी वीडियो बनाते हैं, उसमें भी आपके फेस की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फेस दिखा के वीडियो बनाते हैं तो ज्यादा ठीक है, अगर आप नहीं बनाते हैं तो भी ये हेल्थ टिप्स वाला वीडियो आप अपनी रियल आवाज के साथ या स्क्रीन रिकॉर्डर से या फिर नेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करके उस पर आप बता सकते हैं हेल्थ टिप्स के बारे में, ये टॉपिक भी आपकी वीडियो के लिए बेहतर रहेगा। तीसरा टिप्स आता है हमारा रेसिपी का। अगर आप रेसिपी की कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई जरूरत नहीं है अपना फेस दिखाने की। मैक्सिमम रेसिपी आपने देखी होंगी कि एक टेबल पे या किचन के स्लैब पे वो सारी क्वांटिटी में दिखा देते हैं कि ये आइटम हमें इतना डालना है, ये इतना डालना है, उसमें भी आपको कोई फेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब भी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करें तो केवल अपने सामान की ही, जो भी आप सामान उसमें यूज कर रहे हैं रेसिपी में, जो भी आइटम यूज कर रहे हैं, उसी की वीडियो आपको बनानी है, अपना फेस छिपा के रखना है अगर आप अपना फेस दिखाना नहीं चाहते हैं तो। पांचवा टॉपिक हमारा आ जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आप उस वीडियो को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो बनाई है या आप कोई अर्निंग वीडियो बना रहे हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको इस तरह से वर्क करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से अर्निंग करनी है, तो उस कंडीशन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आपकी वॉइस जेन्युइन होगी, केवल आप स्क्रीन रिकॉर्डर का सहारा लेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए। कंटेंट अगर आपका जेन्युइन है तो आपकी वीडियो 100% मोनेटाइज हो जाएगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब भी वीडियो बना रहे हैं
तो वीडियो को बार बार आप उसको डिलीट ना करें। मान लो कोई भी वीडियो आपने अपलोड कर दी, उसको डिलीट कर दिया, या जब भी पसंद ना आई या व्यू ना आए तो उस वीडियो को आप डिलीट कर देंगे। तो आप वीडियो को कभी डिलीट मत कीजिएगा। यही प्रॉब्लम होती है बिगिनर यूट्यूबर्स के साथ। वो लोग क्या करते हैं कि जिस वीडियो पे व्यू नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते, उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में 6 महीने तक आपको अपने चैनल को टाइम देना है। आप वीडियो अपलोड करते जाइए करते जाइए। ये मत देखिए कि मेरे कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, इस बात को आप भूल जाइए। 6 महीने तक आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहिए। इसका रिजल्ट आपके सामने 6 महीने के बाद सब कुछ आपके सामने ही आने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।